ऑस्ट्रेलिया में गरजा विराट का बल्ला, शतक ठोककर कर दिया सीरीज जीतने का ऐलान। यशस्वी ने खेला सितारा वाला खेल, 161 रन बनाकर बड़े बड़े दिग्गजों को छोड़ा पीछे। केएल राहुल की सदी हुई पारी, आई टीम के काम आखिर में नीतीश रेड्डी ने कर दिया कमाल। विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, नीतीश कुमार, रेड्डी, जिसकी भी तारीफ करें उसकी कम है, क्योंकि टीम इंडिया पहली पारी में 150 रनों पर ऑल आउट हो गई थी और दूसरी पारी में 500 रनों के पास पहुंच गई। अगर बात करें पूरी पूरी लीड की तो 534 रन टीम इंडिया के पास थे जब ऑस्ट्रेलिया अपनी दूसरी पारी खेलने उतरी है। वहीं टीम इंडिया ने यहां पर एक विशालकाय लक्ष्य बनाया था। ये वो पर्थ के पीछे जहां पर बड़े बड़े दिग्गज खड़े होने से कतराते हैं। टीम इंडिया के हाल पहली पारी में जिस तरह से हुए थे, कुछ उसी तरह के हाल ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को हो गए थे। 104 रनों पर पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने घर पर ऑल आउट हो गई थी और अब टीम इंडिया कह सकते हैं फ्रंट पे है, लीड कर रही है, डोमिनेंस दिखा रही है और शायद ही ऑस्ट्रेलिया में जाकर कोई दूसरी कंट्री का ऐसा डोमिनेंस देखने को मिला होगा। मतलब पूरी तरह से मैच इस वक्त टीम इंडिया के हाथों पर है। टीम इंडिया जिधर मोड़ना चाहे मैच का रुख उधर मोड़ सकती है। और विराट कोहली, मतलब आखिर में आते आते विराट ने जिस तरह से शतक लगाया, वो अपने खुद के माइलस्टोन के लिए खेल ही नहीं रहे थे ऐसा लग रहा था। आई बल्ले में तो चौका या छक्का या फिर बाउंड्री के लिए प्रयास करना ही करना, कमाल था यार। मतलब चलिए आपको विस्तार से पूरा रिपोर्ट दिखाता हूं। 150 पर टीम इंडिया ऑल आउट होती है, उसके बाद बारी आती है ऑस्ट्रेलिया की। 104 रनों पर ऑस्ट्रेलिया आउट हो जाती है। यहां पर बुमराह ने 5 विकेट चटकाए, कप्तान बुमराह ने अपनी कप्तानी का जलवा दिखाया। अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की, पूरे पूरा कह सकते हैं दूसरे दिन की दूसरे सेशन में टीम इंडिया बल्लेबाजी के लिए उतर आई थी। केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत जबरदस्त की थी, कह सकते हैं पूरा दिन कोई विकेट ही नहीं खोया और एक बेहतरीन पार्टनरशिप कर दी। और साथ साथ आज जैसे ही पहला सेशन कंप्लीट हुआ उसी दरमियान टीम इंडिया ने ओपनिंग पार्टनरशिप 200 रनों की कर दी, यानी 201 रन बनाकर जब टीम इंडिया स्कोर था उसी वक्त केएल राहुल 77 रन बनाकर आउट हुए। 77 पर केएल राहुल जरूर आउट हुए थे, लेकिन उसके बाद भी यशस्वी थमे नहीं। यशस्वी जायसवाल ने 161 रनों की लाजवाब पारी खेली, बाद में उनका भरपूर साथ दिया विराट कोहली ने। विराट कोहली ने आज कह सकते हैं 143 गेंदों पर शतक पूरा किया। इस दरमियान उनके बल्ले से 2 छक्के भी निकले, वहीं साथ साथ उन्होंने 8 चौके लगाए हैं, यानी यह दिखाता है कि विराट कोहली इस खेल के मास्टर हैं। विराट के बाद नीतीश कुमार रेड्डी, जितनी तारीफ करें इस युवा खिलाड़ी की उतनी कम है। 21 साल का ये लड़का पर्थ में ऐसे खेल रहा था मानो चिन्ना स्वामी भी खेल रहा हो, बड़े बड़े हिट लगा रहा था, ये नहीं देख रहा था सामने पैट कमिंस या फिर मिचेल स्टार्क, किसी को नहीं छोड़ा और कह सकते हैं ताबड़तोड़ इनिंग खेली जिसकी टीम इंडिया को बहुत जरूरत थी। 140 के स्ट्राइक रेट से उसने बनाए 38 रन, इस दरमियान काफी छक्के चौके लगाए, तो कुछ इस तरह से टीम इंडिया ने 534 रन बना लिए थे या कहें पूरी पूरी लीड इकट्ठा कर ली थी। और अब बारी है ऑस्ट्रेलिया की। अब आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया कितने रनों से मुकाबला हारेगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।